कोऑर्डिनेशन हो उससे पहले नॉन कोऑर्डिनेशन नॉन कोऑपरेशन शुरू हो गया है। हरियाणा में सीट कैसे बटेगी, जेडीयू में क्या होने वाला है, अधीर रंजन चौधरी जी ममता बनर्जी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, डिसकोऑर्डिनेशन आरंभ हो गया है। इंडिया ग्रुप का मानना है कि इस गठबंधन का कोई नेता नहीं होगा, लेकिन चुनाव जिस दिन संपन्न होगा उस दिन तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह सवाल पूछा जाता रहेगा और हम यही जवाब देते रहेंगे कि देश की 140 करोड़ जनता हमारा चाहिए। तथाकथित गठबंधन जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है ये नॉन फंक्शनल और नॉन स्टार्टर है। ये बहुत होगा तो रैली वगैरह कुछ सोच सकते हैं, लेकिन वो भी चुनाव वाले राज्यों में भी तो रैली का डेट तय करें, तो इसलिए ये रैली वगैरह से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। तरह तरह की बात बोल करके लोगों का ध्यान मूल बिंदु से भटकाना चाहते हैं। आज इस बार मूल बिंदु से देश की जनता भटकने वाली नहीं है, इनका सफाया तय है। सुशील मोदी जी क्या दरबान है? जब इंडिया अलायंस की मीटिंग खड़ी होती है तो दरवाजे पर रहते हैं, तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, लोगों का विश्वास इंडिया अलायंस पे बढ़ते जा रहा है और उतना ही डर जो है वो एनडीए के कैंप में पड़ रहा है। नाना करके प्यार तुम ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम ही से कर बैठे, बाद में होगा तो तकरार तुम ही से कर बैठे, तो ये तकरार भी तुम ही से कर बैठेंगे। तो इन सब का जो है वो दिक्कत ये है कि मुल्क में जो है वो दोस्ती और मोहल्ले में कुश्ती। अभिषेक जी क्यों नहीं रहेंगे ये मोदी जी और अमित शाह जी जानते हैं। कल ही लालू जी पर जो कंसेंट दिया है फिर से इतनी प्रताड़ना के बावजूद, तो ये बता रहा है कि इंडिया गठबंधन ना सिर्फ एक पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहा है, आज की बैठक उसमें महत्वपूर्ण है, एक जो क्रिमिनल माइंडसेट से जो एजेंसीज काम कर रही है उससे भी लड़ाई लड़ रही है। हरियाणा में बहुत ज़्यादा एनर्जी है और जनता बदलाव के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है, तो अच्छा करेंगे हरियाणा में। विधानसभा चुनाव निश्चित रूप से सभी सीटों पर लड़ेंगे, अच्छे से लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। जो विपक्षी पार्टियाँ मिली हैं ये अच्छी शुरुआत है। जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, कांग्रेस स्वयं में सक्षम है, 10 की 10 सीट कांग्रेस लड़ेगी। अगर इंडिया गठबंधन को तमाम नेता, राजनीतिक दल और जनता भी सफल बनाना चाहती है, जो कि सफल होगा, निश्चित तौर पे होगा, तो सबको तीन चीजें त्यागनी होंगी, मनभेद, मतभेद और महत्वाकांक्षा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।